लोक सेवा आयोग ने शुक्रवार को पीसीएस 2018 का अंतिम परिणाम घोषित कर दिया। इस भर्ती में 119 डिप्टी कलेक्टर और 94 डिप्टी एसपी समेत पीसीएस संवर्ग के 42 प्रकार के 976 पदों का चयन किया गया है। हरियाणा के पानीपत के अनुज नेहरा ने टॉप किया है। इसी राज्य के गुरुग्राम की संगीता राघव को दूसरा स्थान मिला है, जबकि मथुरा की ज्योति शर्मा को तीसरा और जालौन के विपिन कुमार को चौथा स्थान मिला है। पटना के करमवीर केशव ने पांचवा स्थान प्राप्त किया है। पानीपत की बेटी अनुज नेहरा ने अपने पहले ही प्रयास में यूपी पीसीएस की परीक्षा टॉप की है। इससे पहले वह लोक सेवा आयोग की परीक्षा दो बार दे चुकी हैं, लेकिन पिछली परीक्षा में दो अंकों से रह गई थी। मेरी यूपी पीसीएस 2018 में रैंक 1 आई है। मेरा नाम अनुज नेहरा है और मुझे लगता है कि अगर बहुत ईमानदारी से मेहनत की जाए और उस मेहनत पर विश्वास किया जाए तो सक्सेस ज़रूर मिलती है। मैं इससे पहले यूपीएससी के लिए प्रिपेयर कर रही थी, तो सिलेबस ऑलमोस्ट सेम था यूपी पीसीएस का और यूपीएससी का, तो कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट्स तो नहीं डालने पड़े, बट उन्हीं नोट्स को बार बार रिवाइज करना और अपडेट करना करंट अफेयर्स के साथ और पूरी स्ट्रैटेजी को एक इंटीग्रेटेड वे में लेके चलना, ये मेरी सक्सेस की स्ट्रैटेजी। फैमिली बहुत कॉर्डियल रही है, बहुत मोटिवेटिंग फैमिली है। मुझे अपने घर से ही इंस्पिरेशन मिलती है। भैया मेरे डॉक्टर हैं, जिनसे बहुत जो मेरी इंस्पिरेशन का बहुत बड़ा सोर्स है। मम्मी पापा ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, कभी जेंडर मेरे लिए बैरियर नहीं था। मेरे फेलियर्स को एक्सेप्ट करके और मुझे आगे बढ़ने के लिए हर स्टेप पे मोटिवेट किया जाता था। फैमिली की साइड से मुझे कोई प्रेशर नहीं था किसी भी चीज़ का कि एक साल में करना है, दो साल में करना है। अगर कोई प्रेशर था तो वो मुझे इंटरनल था कि नहीं हो रहा है तो क्या होगा, बाकी का हो गया मेरा क्यों नहीं हुआ, तो सिर्फ वो एक डीमोटिवेटिंग फैक्टर था, अदरवाइज आउटसाइडर्स सोच कुछ नहीं था। यूपी पीसीएस का मेरा ये फर्स्ट अटेम्प्ट ही था। मैंने 18 में पेपर दिया था, 19 में मेंस लिखा था और 20 में इंटरव्यू हुआ था मेरा, तो इसमें तो टाइम नहीं लगा। यूपीएससी के लिए वैसे मैं 4-5 साल से पिछले प्रिपरेशन कर रहे हैं, अब आगे यूपीएससी के जो अटेम्प्ट बचे हैं उन पर कर रहा हूं। उन्होंने बताया कि माता पिता उनके सबसे बड़े प्रेरणा स्रोत रहे। यूपीएससी में सफल ना होने पर भी उन्होंने मनोबल टूटने नहीं दिया और मेहनत जारी रखने की हिम्मत दी। परीक्षा के लिए उन्होंने 12 से 13 घंटों तक पढ़ाई कर तैयारी की थी। उन्होंने 10वीं व 12वीं पानीपत के केंद्रीय विद्यालय से की। इसके पहले दिल्ली विश्वविद्यालय के हंसराज कॉलेज से विज्ञान में स्नातक की। शुरुआत से ही यूपीएससी क्लियर करने का उनका सपना था, उसमें सफल नहीं हो पाई। इस बीच यूपी लोक सेवा आयोग की परीक्षा की भी तैयारी की तो यह क्लियर हो गया। अनुज नेहरा के पिता अशबीर सिंह भारतीय सेना की जाट रेजिमेंट में हवलदार के पद पे से सेवानिवृत्त हैं। अनुज ने बताया कि उन्हें अपने भाई से जीवन में बेहतर करने की प्रेरणा मिली। वे पीजीआई रोहतक में सर्जन हैं, उनकी मां गृहिणी हैं।